न्यूज़क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जगमती सांगवान जी हैं, जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष हैं और लगभग पिछले 30 सालों से महिला आंदोलन के साथ हरियाणा में जुड़ी हुई हैं। और हरियाणा में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में महिला आंदोलन में इनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। जगमती जी, न्यूज़क्लिक में आपका स्वागत है। धन्यवाद नको। जगमती जी, जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है दिल्ली में एक जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एक नौजवान महिला का बहुत ही बर्बरता के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हुई, और बहुत साहस के साथ उसने इस मृत्यु के खिलाफ एक संघर्ष इस लड़की ने किया था। और ऐसी घटनाएं लगभग आई थिंक मेरे ख्याल से रोज़ ही या अखबारों में या टीवी में या अलग अलग महिला संगठनों से इसके बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन इस बार शायद कुछ अलग जो हुआ कि इस बार सड़कों पर केवल महिला संगठन या छात्र या इस तरह से प्रगतिशील संगठनों के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता ही नहीं उतरे, बल्कि हज़ारों की तादाद में आम जनता सड़कों पर उतरी और पहली बार शायद महिलाओं के मुद्दों पर ये जनता सड़कों पर उतरी और महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हुए सिर्फ सड़कों पर ही नहीं उतरी, बल्कि जो पुलिस का दमन उन्होंने झेला और उसके बावजूद सड़कों पर ये जनता रही। जगमती जी, महिला आंदोलन के साथ जो आप जुड़ी रही हैं और इस ऐसे घटनाओं के साथ आपने पहले भी डील किया है, क्या आपको लगता है कि ये एक, क्या आपने कभी भी उम्मीद करी थी कि इस तादाद में और इस तरह से लोग इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांग रखेंगे, और क्या ये एक शायद एक एक गुस्सा है जो बहुत देर से पनप रहा था और इस एक ये जो एक केस था शायद एक टिपिंग पॉइंट बन गया ये? देखिए नकुल, एक तो ये जितनी बर्बरता इस बलात्कार की घटना के अंदर थी वो, और उसके साथ साथ जो इसकी जो विक्टिम बनी है, दामिनी ही इस समय पे उसको कहें हम, निर्भया कहें जो भी, उसने जिस मतलब आत्मसमर्पण ना करने का जो जज्बा एक जो है, जो आज व्यापक स्तर के ऊपर हिंदुस्तान की लड़कियों के अंदर पनप रहा है कि जान भले ही चली जाए परंतु इस तरह की जो ताकतें हैं उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करना, तो वो जो जज्बा है उसका, उसको मतलब लोगों ने, देश के लोगों ने एक सही पर्सपेक्टिव में देखा। बहुत सारी घटनाएं, मैं जैसे हरियाणा से आती हूँ, पिछले 2 महीने में देखें तो ना केवल बलात्कार की बल्कि सामूहिक बलात्कार 2 महीने के अंदर 42 घटनाएं इस तरह की हुई हैं, जिसके अंदर कहीं पे 7 रेप करने में शामिल हैं, कहीं पे 6 हैं शामिल, कहीं पे 8 हैं उस तरह से। और ये मतलब एक जो इसमें सकारात्मक जो चीज़ हम देख सकते हैं, इस हिंसा के बावजूद, चाहे वो हरियाणा के अंदर देखें, वहाँ पे नौजवान और दूसरे जो संवेदनशील जो नागरिक हैं वो बड़े पैमाने पे इसके विरोध में उतर के आए हैं, और इसी तरह से ये दिल्ली के अंदर जो घटना हुई उसमें निकल कर आए हैं। और हमें ये लगता है कि ये जो गुस्सा है ये केवल मतलब बलात्कारियों के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि ये गुस्सा उस प्रशासन और उस सरकार के खिलाफ भी है जिसकी ढिलाई की वजह से इस तरह की बर्बर घटनाएं घटित हो रही हैं, और जो अपराधी हैं उनको किसी भी तरह का डर नाम की चीज़ जो है वो उनके दिमाग पर नहीं है। क्योंकि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं संगठन के अंदर, वहाँ पे देखते हैं कि थानों के अंदर जाएं तो FIR दर्ज करवाना मुश्किल हो जाता है। एक तो हमारे यहाँ का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है कि आम आदमी जो है वो बेचारा ये सोचता है कि कल को लड़की की शादी नहीं होगी और दिक्कतें आएंगी उसके भविष्य को लेके, वो आते ही कम हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। और उसमें एक बड़ा कारण ये पुलिस का जो रवैया होता है नकारात्मक, वो रवैया भी है। और दूसरा फिर वो रोज़ अपने जीवन में देख रहे हैं कि जो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो भी सिस्टम्स इवॉल्व किए गए हैं हमारे यहाँ पे, वो सिस्टम्स मतलब महिलाओं के हक में काम ना करके बल्कि बड़े पैमाने पर तो वो भी अपराधियों के साथ खड़े हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के प्रति गुस्सा है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो हरियाणा के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के अपने जो प्रोटेक्शन होम्स हैं उनके अंदर पिछले दिनों जब मतलब 3 लड़कियां मतलब वहाँ से भाग के निकली जिन्होंने आके शिकायत दर्ज करवाई दिल्ली के अंदर,
तो वहाँ एक के बाद एक जब वो प्रोटेक्शन होम्स का मतलब थोड़ी सी छानबीन की गई, जांच की गई, तो पता लगा कि बहुत व्यापक पैमाने पे वहाँ पे जो है यौन हिंसा चल रही थी उन प्रोटेक्शन होम्स के अंदर, और ख़ास तौर पे जो नौजवान जो तबका है जिसको आज मतलब ख़ास तौर पे लड़कियों के सामने एक स्थिति बनी है कि आपको आपका जो रोज़गार है उसके लिए दिन में भी बाहर जाना पड़ेगा, रात में भी जाना पड़ेगा, तो उनको दिन रात और हर पल की सुरक्षा और सम्मान चाहिए, और वो उस जज्बे के साथ सड़क पर आए हैं। ये एक सकारात्मक इसके अंदर मतलब संदेश है जिसको हमें पहचानना है और आगे तक इसको कायम रखना है। बिल्कुल, जो आपने कहा कि ये एक बहुत सकारात्मक पक्ष है कि इस तरह से लोग सड़क पर उतरे हैं और अपना गुस्सा ही नहीं व्यक्त किए हैं बल्कि अब कई सारी मांगें भी सामने रखने लगे हैं। और इसमें जो आपने कहा कि प्रशासन और पुलिस का जो रवैया है उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा गुस्सा है। मेरा ये सवाल है कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे, खासकर कि जो आपके भी अनुभव रहे हैं इस तरह के जो बलात्कार या यौन हिंसा की जो पीड़ित व्यक्तियां हैं और उनके केसेस को सामने लाने की या दर्ज करने की भी जब आपने कोशिश करी है, तो आपके पुलिस और प्रशासन के साथ किस तरह का रवैया आपने देखा है और इसमें किस तरह की बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, बनवासा का केस हमारे हरियाणा का अगर ले, मतलब सोनीपत जिला में गांव है, वहाँ पे दलित लड़की जो थी वो उसके साथ 5 लड़कों ने बलात्कार किया, वो अगर उसकी मतलब FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं तो पुलिस जो है वो FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। वो खुद मतलब इस मानसिकता के शिकार हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़की का किसी लड़के के साथ आपस में वो था संबंध, और जैसे ही मतलब पता लगता है तो वो फिर उसको मतलब बलात्कार के उसमें पेश करने की कोशिशें करती हैं। यही तो वहाँ की पुलिस की मानसिकता और यही वहाँ की जो खाप पंचायतें जो हैं वो कह रही हैं, उनकी पोजीशंस देखें तो वहाँ क्या करना पड़ता है इन गरीबों को जो दलित परिवार से हैं, रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, तो अगर FIR भी लॉज करवानी है तो आपको सरपंच को साथ में लेना पड़ेगा, आपको और जो गणमान्य लोग जिनके कहने से वो मतलब उस बात को सच मान सकें उनको साथ लेना पड़ता है, और उनको साथ लेने के लिए फिर आपको एक गाड़ी भी किराए पे करनी पड़ती है। इस तरह से लोग कोई साथ जाने के लिए और समय के हिसाब से सारा जो है वो तैयार नहीं होते। तो ये जो मतलब एकदम जो विक्टिम जो है वो जब कह रहा है आपको कि मेरे साथ ये मतलब इस तरह की घटना हुई है और इसके ऊपर आप FIR लॉज कीजिए, वो उसका हक जो है वो उसका डिनायल है। जब वो यह सारा तामझाम इकट्ठा करके जब लेकर जाता है तभी जाके वहाँ पे FIR जो है वो लॉज होती है, और उसके बाद मतलब हम कितने ही दिनों तक पुलिस के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, वो परिवार और जो सामाजिक संगठन जो उनकी मदद करते हैं केसेस की कि FIR की कॉपी दी जाए हमें। असल में उस समय पे भी होता ही है कि वो FIR लॉज नहीं की जाती, किया क्या जाता है पुलिस के द्वारा कि वो जो अपराधी हैं उस पक्ष से भरपूर पैसा लिया जाता है, करप्शन की बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे, उनसे भरपूर पैसा लिया जाता है और फिर उनको पूरा समय दिया जाता है कि वो जो विक्टिम जो परिवार है उसके ऊपर दबाव बनाए किसी भी तरह से, चारों तरफ से ले के दे के दबा के डरा के कि वो समझौता कर लें किसी तरह से, तो वो FIR की कॉपी इस वजह से नहीं दी जाती। और ये जो मतलब गरीब आदमी जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला है जिसके ऊपर ऐसी विपदा आन पड़ी, मतलब वो चार चार बार मतलब थानों के अंदर जाए, वो थाने भी मतलब गांव के अंदर नहीं होते, शहर में जाना पड़ेगा, दूर दराज जाना पड़ता है आपको, वहाँ पे जाए FIR की कॉपी के लिए पूछे, वो 10 बार कहते हैं कि अभी दे देंगे, अभी तैयार नहीं हुई है, कल आना, इस टाइम आना, अब ऐसे तो साहब नहीं है। तो ये इस तरह से ना मतलब उनको टरकाया जाता है, उनको उनकी उपेक्षा की जाती है, और एक स्तर पे मतलब ये उनका अपमान भी है कि जो ड्यू मतलब लीगल कोर्स उनको जो मिलना चाहिए उससे उनको वंचित किया जाता है, और पूरा दबाव एक मतलब समझौते वाला जो है वो सारा, तो ये सारा चलता है वहाँ पे। इस तरह के आपने जैसे बताया कि कई बार इस तरह की जिस परेशानियाँ जो झेलनी पड़ रही है पीड़ित लड़की को और उसके परिवार को, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई बार जो हमको सुनने को मिलता है कि पुलिस अक्सर इस तरह के सवाल पूछती है कि आप रात को इतने बजे बाहर क्यों थी,
आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, आप अकेले क्यों थी, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह का यौन हिंसा और इस तरह का बलात्कार में भी कि जिम्मेदारी इसकी लड़की पर ही डाली जा रही है, ओनस लड़की पर डाला जा रहा है क्या आपने, और कि कहीं ना कहीं वही खुद ही जिम्मेदार है अपने बलात्कार के लिए। नीचे के स्तर पे मतलब ऑल्दो मैं दिल्ली वगैरह के यहाँ के थानों में नहीं गई हूँ, लेकिन वहाँ हरियाणा के अंदर जब हम केसेस के साथ थानों में जाते हैं वहाँ पे हालत ये होती है कि सवाल जो आप कह रहे हैं वो तो मतलब एक आगे की चीज़ है। जैसे ही हम थाने के अंदर जाते हैं हमें पहले ही डर लग रहा होता है कि थाने के अंदर जाना है, ये ऐसी जगह है, मतलब एक असुरक्षा का भाव और ऐसा भाव कि जहाँ पे आपके साथ किसी पल भी कुछ भी हो सकता है, जबकि होना ये चाहिए कि आप एक ऐसी सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं कि आपको वहाँ पे न्याय मिलेगा। तो वो जो नज़रें जो होती हैं वहाँ पे, मतलब कोई महिला पुलिस नहीं होती है दूर दराज के थानों में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कहीं कहीं मतलब एक आध महिला होंगी, ज़्यादातर जगहों पे कोई महिलाएं नहीं है और आदमी लोग वहाँ पे होते हैं, पहले उनकी नज़रों का सामना करना और फिर उनके द्वारा मतलब जो सवाल जो हैं जिस तरह से इस जगह से किए जाते हैं कि जो विक्टिम जो है जैसे वो अपराधी है, मतलब वो यहाँ पे इनकी मौज मजे के अंदर खलल पैदा करने के लिए, इनके रिकॉर्ड को ख़राब करने के लिए, जिस रिकॉर्ड को वो साफ दिखाते रहते कि हमारे यहाँ अपराध कम हो रहे हैं, वो करने के लिए जैसे वो आ गया तो वो अपराधी है। जैसे हर सेंटेंस के अंदर मतलब उसके अंदर ना धमकाना, उसके अंदर उल्टे सीधे सवाल करना, और ख़ास तौर पे जब महिलाएं वहाँ पे हैं तो ऐसी भाषा का प्रयोग कि आपको सरेआम मतलब एक अपमानजनक प्रक्रिया से गुजरने का एहसास जो है वो साथ साथ होता रहता है। किस तरह की मेडिकल प्रोविजंस हैं हमारे देश में एक बलात्कार के बाद, और उसमें जो और किस तरह के बदलाव इसमें बदलाव की ज़रूरत है इसमें? मैं पढ़ रहा था अभी पीछे कि हमारे देश में कई जगह आज भी प्रैक्टिस में एक टू फिंगर लैक्सिटी टेस्ट होता है, जहाँ पर ये गेज करने की कोशिश की जाती है कि ये जो बलात्कार की पीड़ा जो जिसके साथ बलात्कार हुआ है क्या ये सेक्स इज शी हैबिचुएटेड टू सेक्स। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अमानवीय, एक बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है, और ये क्या किस स्तर पर हो रही है ये, और इस तरह की और कैसी चीज़ें हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस में जो बदलने की ज़रूरत है जिनको आज? जहाँ पे रेप विक्टिम्स को जब मेडिकल एड के लिए लेकर जाते हैं और ख़ास तौर पे तो वो मतलब उस रेप को ही एस्टैब्लिश करने के लिए जिस तरह का वो टेस्ट की ज़रूरत होती है उसके लिए जब हम जाते हैं वहाँ पे, एक तो ये है कि एक लड़की एक महिला जिसके साथ मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा हो गया, वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड एक परिस्थिति के अंदर होती है, मतलब वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है एक बहुत संवेदनशील वातावरण की कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब आपके साथ जो घटित हुआ उसको प्रॉपरली मतलब आपका आपकी बॉडी आपका जो जेस्चर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करें, मतलब वहाँ इतना रूटीनाइज्ड होता है, कई कई घंटे आपको वेट करवाएंगे, वेट करवाने के बाद फिर जब वो पूरी प्रक्रिया जो है उसके अंदर बहुत लंबा टाइम लगाया जाता है और जो रिपोर्ट जो तैयार की जाती है मेडिकल जो रिपोर्ट है वहाँ पे मतलब भारी स्तर की मैनिपुलेशंस होती हैं डॉक्टर्स के साथ, मतलब जो विक्टिम्स हैं जिन परिवारों से ये विक्टिम्स हैं सॉफ्ट टारगेट्स हैं, अपनी कुल मिला के जो बदहाली की जो परिस्थिति है उसकी वजह से ज़्यादातर वो बलात्कार की शिकार होती हैं, उनका उन डॉक्टर्स के साथ किसी तरह का संवाद भी नहीं बनता है कि वो प्रॉपरली वो परिवार जो है वो डॉक्टर की आँख में आँख डाल के ये पूछ ले कि भाई हमारी लड़की के साथ ये सारा हुआ था, आपने रिपोर्ट में लिखा क्या है। पता लगेगा कि 3-4 दिन बाद जो है वो आपको मेडिकल की रिपोर्ट मिलेगी, और चाहे मतलब ये जो स्टेट प्रोटेक्शन होम्स का मामला हो हरियाणा के अंदर और चाहे ये दूसरे रेप केसेस का मामला हो, वहाँ पे मतलब लोगों को ये रहता है कि डॉक्टर्स के स्तर पे मतलब प्रशासन के साथ एक मिली भगत के साथ ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, और इसी वजह से बहुत सारे मतलब जो केसेस जो हैं उनमें अपराधी की बजाय, जैसे आपने कहा कि मतलब वो जो लड़की जो है
वो मतलब हैबिचुअल थी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के उसके हिसाब से वो भी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा मतलब किसी तरह से मतलब जो अपराधी जो है वो बच के निकल जाए, इस तरह के लूप होल्स भी उसमें छोड़े जाते हैं। और अनड्यू टाइम मतलब उसके अंदर जो है वो स्पेंड किया जाता है, जो कि ट्रॉमेटाइज्ड मतलब जो विक्टिम जो है उसको और भी ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला उस तरह से होता है। राजनीतिक पार्टियों का, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का, आई थिंक अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मेरे ख्याल से एक जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इसके बाद, खास करके इस केस के बाद, और इसमें आपको क्या लगता है कि महिलाओं को जो मुद्दे कंसर्न करते हैं, इज़ इट हाई टाइम कि ये मुद्दे अब हर राजनीतिक पार्टी के एजेंडा में एक अहम मुद्दा हो? अभी मतलब पिछले दिनों का जो महीने भर का जो समय है इसमें खास तौर पे महिलाओं के प्रति होने वाली जो यौन हिंसा है उसको लेके समाज का हर तबका जो है वो एक परीक्षा की घड़ी से गुजरा है। जिस तरह का इस लड़की ने मतलब एक अपने मतलब बहादुरी की वजह से जो जिस तरह की शहादत दी उसने और जिस तरह से मतलब मुकाबला किया पूरी परिस्थिति में, और वो जो परीक्षा को अगर हम देखेंगे तो आम स्तर पे देखा जाए तो जनता तो उस परीक्षा में काफ़ी हद तक मतलब सफल होती है। उनका जो ड्यू रोल जो बनता था इस समय पे वो निभाने के लिए वो सड़कों पे आए, लेकिन सबसे बुरी तरह से अगर कोई एक्सपोज हुए हैं और कोई मतलब असफल हुए हैं तो वो यहाँ की मतलब राजनेता और राजनीति है असल में। और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मतलब अक्रॉस मतलब पार्टी लाइंस मतलब आपके सांसद जो हैं, आपके विधायक जो हैं, जिस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं हैं वो बिल्कुल इस चीज़ का स्पष्ट संकेत देती हैं कि वो किसी भी तरह से जो पुलिस जहाँ से एक महिला को देखती है मतलब, और जो मतलब बहुत ही प्रतिक्रियावादी मानसिकता जहाँ से उनको देखती है उनके पास भी उससे अलग जगह नहीं है। वो भी असल में महिलाओं का जो आचरण खुद का, उनकी ड्रेस, उनका मतलब दिन का जाना रात का आना, मतलब इस तरह के जो सवाल आए हैं, और हमारे यहाँ तो मतलब इससे भी आगे बढ़ के हरियाणा के अंदर अभी गोपालकांडा जो मतलब यौन हिंसा की वजह से अंदर है जेल में, और उसी की पार्टी के लोग, उसी के वहाँ के नेता जो स्थानीय वो उसका जन्मदिन मना रहे हैं मतलब वहाँ पे पूरे शानो शौकत के साथ उसके पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, बड़ा मतलब पंडाल सजाया जा रहा। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि उस जन्मदिन की पार्टी के अंदर मतलब वहाँ के जो मंत्री हैं वो खुद ये कहते हैं कि वो जो गीतिका जो थी वो असल में गोपाल कांडा की एक मतलब ख़राब नौकरानी थी एक तरह से। मतलब आप ये देखिए कि आप जो एक नागरिक का जो मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो अधिकार है, एक डिग्निफाइड जगह से जो एम्प्लॉई के जो राइट्स हैं उनको जो एंश्योर किया जाना चाहिए, उस जगह के ये आसपास भी नहीं है मतलब ये जो उनके मतलब रिमार्क्स हैं जो इस तरह के। तो ये जो राजनीतिक जमात जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपोज हुई है इस समय पे इस परीक्षा की घड़ी में। और हमें ये लगता है कि अगर मतलब महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को अगर रोकना है तो ये जो राजनीतिक जमात जो है इसका बहुत ज़्यादा गहरा एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो चलाया जाना चाहिए, और जो ख़ास तौर पे इस मानसिकता को सेंटर में करके डेवलप किया जाए मॉड्यूल जो है, क्योंकि ये लोग शातिर भी बहुत हैं अपनी असलियत को छुपाने के लिए उस तरह से। तो और इसके साथ साथ हमें ये लगता है कि जितने भी ऐसे कानून बनने हैं जो महिलाओं को यौन हिंसा से कुछ सुरक्षा दे सकते हैं वो सब भी संसद के पटल पे उधर लंबे लंबे समय से रुके पड़े हैं। मतलब हो सकता है कि शायद इनको उसके बाद कुछ अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो और मतलब जल्दी से जल्दी उन कानूनों को भी पास किया जाए, और जितने ये जो सिस्टम्स हैं नीचे के, क्योंकि रणनीतिक तरीके से जो राजनेता जो हैं वो ऐसी जगह पर प्लेस्ड हैं कि वहाँ पे गड़बड़ होती है तो वो गड़बड़ भी कई गुना मल्टीप्लाई होके असर डालती है नीचे,
और वहाँ पे अगर थोड़ा सा सकारात्मक कुछ होता है तो उसका भी नीचे सकारात्मक प्रभाव भी नज़र आएगा। तो इसलिए हमें यह लगता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई के साथ काम करने की ज़रूरत है। और फिर इसमें शायद ये 33% वुमेन्स रिजर्वेशन का भी आज के दौर में शायद जितनी इसकी एक अहमियत नज़र आ रही है, उसमें जैसे मतलब कई तबकों की तरफ से ये भी बात आ रही है कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन भी बुलाया जाए। मतलब अगर उसमें ईमानदारी के साथ ये 33% रिजर्वेशन का जो बिल है और महिलाओं ऑनर किलिंग के खिलाफ जो एक बिल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है युवाओं के मतलब जान की सलामती के लिए, मान सम्मान को तो छोड़ दीजिए, इस तरह के बहुत सारे बिल हैं जो लटके पड़े हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर इस समय के ऊपर वो भी सत्र भी बुला के अगर इनको भी पास कर लिया जाए विद ड्यू प्रिपरेशंस एंड डिस्कशंस, तो वो भी एक अच्छा संकेत होगा इस मौके के ऊपर किया जा सकता है। वो जहाँ एक तरफ मतलब हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं और उसकी एक मांग उठ रही है, लेकिन साथ साथ में मुझे लगता है कि कुछ ऐसी भी आवाज़ें उठ रही हैं जो थोड़ी सी बहुत ही इनह्यूमन किस्म की पनिशमेंट्स की भी मांग हो रही है, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो, चाहे वो केमिकल कैस्ट्रेशन हो। और बल्कि कांग्रेस का जो ड्राफ्ट आया है इस मुद्दे पर बलात्कार की सज़ा की, जब जहाँ पर बात कर रहे हैं, उस ड्राफ्ट में उन्होंने केमिकल कैस्ट्रेशन की भी बात करी है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो पनिशमेंट्स हैं, क्या इस तरह की जो सज़ा है, क्या ये एक डेटरेंट प्रूव करेंगी? और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या जो जेंडर सेंसिटाइजेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये जेंडर सेंसिटाइजेशन केवल महिला संगठनों का ही काम है या फिर सरकारी मतलब एक स्टेट एक्चुअली इसको अंडरटेक करे सीरियसली एंड शायद बिल्कुल स्कूली तौर से, स्कूल लेवल से ये जेंडर सेंसिटाइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू की जाए? देखिए, जहाँ तक इसके पनिशमेंट का जो सवाल है, आज के दिन असल में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा एक तरह का ना आक्रोश उनके अंदर, प्रतिरोध की भावना है और वो उसको व्यक्त करने का एक तरीका उनके पास है कि मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाए। मतलब वो इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन ड्यू कोर्स में इस आक्रोश की भावना को एक रैशनल जगह पर लेकर आना पड़ेगा और वो रैशनल जगह हमारा जो महिला संगठनों का जो अनुभव है और जो हम भी जो काम करते हैं वो ये बताता है कि असल में अपराधियों को सजा का सुनिश्चित होना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो अगर सुनिश्चित किया जाए, मतलब श्योरिटी ऑफ द पनिशमेंट जिसको कहा जाए कि सीवियरिटी एक चीज़ है पनिशमेंट की, लेकिन श्योरिटी जहाँ पे आपका जो कन्विक्शन का रेट है वो मतलब 23% है इसमें बलात्कार के केसों के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपके 74% अपराधी जो हैं वो छूट रहे हैं और वो छूट रहे हैं इसी वजह से उनके दिमाग पे भय नाम की चीज़ नहीं है कानून व्यवस्था की ऐसे। तो हमें ये लगता है कि एक बार तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि जैसे ही वो जाएं, मतलब FIR लॉज हो और पूरी कानून की स्पिरिट में मतलब इन अपराधियों को सजा सुनिश्चित की जाए। अगर हम मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट की जो बात आ रही है उसकी तरफ जाते हैं तो हमें ये लग रहा है कि अब तो मतलब बलात्कार ही हो रहा है, उसके बाद मतलब जान भी ली जाएगी इन औरतों की, वो सबूत और गवाह पे जो हमारा कानून टिका हुआ है जिस तरह का, मतलब वो भी होगा, हत्या भी साथ में होगी इसके साथ है। और इसी तरह से जो दूसरा जो सुझाव आ रहा है, मतलब ये सारे जो तौर तरीके जो हैं ये बहुत सारे देशों के अंदर आजमाए गए हैं और मतलब जो डर की वजह से अपराध से दूर जाना, मतलब उसकी भी एक सीमा है। मतलब केवल डर की वजह से कोई अपराध को छोड़ देगा वो उतना उसका सीधा संबंध नहीं है, कुछ हद तक अवश्य ये रोल प्ले करता है लेकिन केवल इसकी वजह से नहीं होगा। हमें ये लगता है कि उसको अगर रोकना है तो जैसे आपने कहा अभी बहुत व्यापक पैमाने पे इस दौरान जो है बिल्कुल स्कूली स्तर से बच्चों के स्तर से लेके उनको मतलब ये उनके मानसिकता में दर्ज करना पड़ेगा कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो इस देश की नागरिक हैं।
मतलब उनका भी जो जेंडर सेंसिटाइजेशन भी दो तरीके से हो सकता है, एक बहुत नैतिकता की जगह से मतलब ये पाप है और उनको बिचारियों को मतलब इससे बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ा है, अपमान है, ये है वो है, इस जगह से नहीं, बल्कि इस जगह से व्यापक पैमाने पे जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जाए कि वो इस देश की नागरिक हैं और इस देश को, इस देश के घरों को और इस मतलब दुनिया की नस्ल को चलाने में वो सबसे ज़्यादा मतलब खून पसीना उनका बह रहा है आज के दिन, सबसे गाढ़े खून पसीने से सींच रहा अगर इन परिवारों को कोई, तो वो यहाँ की महिलाएं हैं असल में। और वो ड्यू रिस्पेक्ट और वो ड्यू मतलब उनके मानवाधिकार, उनके नागरिक अधिकार वो सुनिश्चित करने होंगे, और जो सुनिश्चित नहीं करेगा तो भाई उसके लिए फिर सजा है सीधी। मतलब जो इस जगह से मतलब उसके नागरिक होने का वजूद जो है उसको स्थापित करने की जो जगह है, वहाँ से बिल्कुल नीचे के स्तर से जेंडर सेंसिटाइजेशन की जो प्रक्रियाएं जो हैं, केवल सेंसिटाइजेशन भी एक मुझे लगता है कि छोटा शब्द है इसके लिए, जो काम असल में हमारे सामने करने का एक चुनौती है वो एक पूरा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा कि आपकी आधी आबादी, और वो आबादी जो इतना ज़्यादा आपके देश के लिए कुर्बान है, मतलब उस आबादी के नागरिक अधिकार, उस आबादी का के मानव अधिकार, मतलब यहाँ से वो संचालित करना पड़ेगा असल में उसको। आपका जितने भी इस तरह के केसेस में जो आपके अनुभव रहे हैं इनको डील करते हुए, आप बलात्कार को कैसे देखते हैं, मतलब किस दृष्टिकोण से देखती हैं, कैसे व्यू करते हैं, क्या इज़ दिस रियली एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, या फिर ये एक किस्म का, ये एक किस्म की हिंसा है और एक किस्म का अग्रेशन है और अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने का एक मीन्स है। ये जो मतलब बलात्कार की घटनाएं जो हमारे सामने आई हैं पिछले दिनों, अगर इनका विश्लेषण किया जाए एक के का केस स्टडी करके भी और सारे केसेस को भी, उसके आधार पे हमें ये लगता है कि ये जो बलात्कार है ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर असल में पावर जो है, पावर एक तरह की एक जगह है, चाहे वो मतलब निर्भया के साथ जो मतलब जिस बर्बरता के साथ मतलब वो मतलब बलात्कार है, वो केवल बलात्कार नहीं, उसके अंदर हिंसा और एक तरह का मतलब बहुत ही ऐसा अमानवीय सलूक जो है, जो कि किसी से मतलब बदला लेने के लिए सबक सिखाने की जगह से जो किया जाता है, वो भाव उसके अंदर शामिल हैं। और असल में हमें ये लगता है और जो है असल में हकीकत में कि आज जो ये लड़कियां जो हैं, ये जो महिलाएं जो हैं, जो एक खास विकास की स्टेज पर पहुंच के अपने सारे जो मानवीय अधिकार हैं, अपने जो कामकाज के जो सारी भूमिकाएं हैं, उनको बहुत ही एक सम्मानित जगह से जब वो अदा करना चाहती हैं समाज के अंदर, मतलब बराबरी के नागरिक की तरह से मतलब वो सामने आ रही हैं जब, तो ये जो प्रतिक्रियावादी जो ताकतें हैं, जो ये पितृसत्तात्मक मानसिकता के जो लोग हैं, वो असल में इस विकास को और ये जो एक मतलब जिसको कहे ना कि कॉन्फिडेंस जो उन महिलाओं का, ये उनको बर्दाश्त नहीं है, वो इसको पीछे धकेलना चाहते हैं असल में। आखिरकार जो महिला संगठनों से और कई सारे और प्रगतिशील संगठनों से जो एक मांग आई है कि इस तरह के केसेस को, यौन हिंसा और बलात्कार के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भेजा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोले जाएँ, ताकि अपराधियों का, जैसे आपने कहा कि एक किस्म का एक भय उनके भी दिल में और दिमाग में पैदा होगा, आपका इसके बारे में क्या कहना है? लार्जर लेवल भी जुडिशरी में आज के दौर में आपको लगता है कि किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, खास करके ऐसे केसेस के साथ डील करते हुए? ये जो इस तरह के जो केसेस हैं, जो विक्टिम्स हैं इसमें, मतलब वो जिस हिंसा से गुजरे होते हैं उसका मतलब असर जो है इतना गहरा होता है कि मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पिछले दिनों हरियाणा के अंदर स्कूलों के अंदर छोटी बच्चियों के साथ जो है वो बहुत सारी ऐसी रेप की घटनाएं, यौन हिंसा की घटनाएं जो है वो सामने आई, और हम उनको जब कोर्ट की तारीख का मतलब सवाल आता था उन बच्चियों को जैसे तैयार करने लगते, हमने ये देखा कि एंड जिस समय पे उनको वहाँ पे कोर्ट में जाके बयान देना है, तो उनको इतना ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते थे, मतलब इतनी ज़्यादा वो उस सदमाग्रस्त स्थिति के बाद वहाँ पे फेस करना जो सारा जो है, तो उससे इतना घबराने लग जाता है वो शरीर और वो दिल दिमाग, मतलब ऐसा।
और ऐसे में ज़रूरत ये है कि जल्दी से जल्दी मतलब वो जो इंसान है वो इस पूरे घटनाक्रम को भूले और जल्दी से जल्दी एक आम नागरिक की तरह से रहने का उसको परिस्थितियां जो हैं वो मुहैया करवाई जाएं उस तरह की। तो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो सुझाव है हम बिल्कुल इसको तायीद करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, बार बार उनको उस यंत्रणा से ना गुजरना पड़े लंबे समय तक मतलब ऐसा। और इसके साथ साथ मतलब वो अपने जीवन के बारे में जो भी जो काम काज है उनके पढ़ाई के लिखाई के जिस भी तरह के मतलब जो हैं उनको मतलब सही तरीके से एक आम नागरिक की तरह से लेना शुरू करें वो, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है। और इसी समय पे हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ना केवल जो अब जो केसेस हो रहे हैं इनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनका जल्दी निपटारा किया जाए, बल्कि लाखों लाख मतलब इस तरह के केसेस हैं जो पेंडिंग हैं वहाँ पे जुडिशियरी के पास, तो उनको भी इसी तरह से मतलब कुछ तो साथी करे कि 100 दिन के अंदर उनका किया जाए, चलो 100 में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जितना जल्दी उनका भी निपटारा हो हम उसकी मतलब तायद करते हैं। और जहाँ तक मतलब जुडिशियरी के पक्ष पे मतलब जो करने का सवाल है, इस तरह के केसेस में हमने ये देखा कि जो जुडिशियरी का और पुलिस का मतलब एक दूसरे के साथ ना बहुत मिला जुला काम है एक तरह का, और वो जैसे इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे हमने ये देखा कि पुलिस के द्वारा जो ख़राब किया जाता है केस इन्वेस्टिगेटिव जब स्टेज पे होता है तो वो उसका पूरा खामियाजा मतलब जो है वो पीड़ित जो परिवार है या विक्टिम जो है वो भुगतते हैं। और अभी जैसे मतलब ये जो निर्भया का जो केस था इसके बाद जो पुलिस ने जो अपनी क्या कहें कि चालान जो पेश किया था जुडिशियरी के सामने, तो उन्होंने उसको वापस किया और वापस इन कमेंट्स के साथ किया कि उस समय पे जो जहां मुनीर का में ये घटना घटी है वहां और जहां पे लड़की को फेंका गया इस बीच के अंदर जितने भी बैरिकेड्स पे जो नाकों पे पुलिस की जो ड्यूटीज़ थी उन सब के बारे में तो आपने एक लाइन भी नहीं लिखी है उसके अंदर, तो वो उसको मतलब उसके साथ आई ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने वापस किया उसको। तो ये जो जुडिशियरी के पक्ष के ऊपर जहाँ पे भी ये लगता है कि यहाँ पे मतलब जो न्याय की जो आत्मा जो है उसके साथ खिलवाड़ होने की स्पेसेस हैं मतलब वहाँ उस जुडिशियरी को भी बहुत मतलब परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत है। और ऐसा काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि वहाँ पे जिस तरह का काम का दबाव है या जो भी परिस्थितियाँ हैं कई जगह पे वहाँ पे वो उपेक्षा भी मतलब होती है और समयबद्ध होना चाहिए न्याय भी जो है वो समयबद्ध एक सीमा में हो। जगमती जी, जिस तरह का इस बार हमने रोष देखा है जनता में और जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और सवाल सरकार के सामने कई सारे सवाल रखे हैं और एक दबाव भी रखा है, हम इस बार यही उम्मीद कर सकते हैं और इस बार पूरी तरह से एक्चुअली हमें कई लोगों को उम्मीद ही नहीं शायद यकीन भी है कि इस बार यहाँ पर कागज़ी कार्रवाई और सरकारी कुछ जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं लोगों को दिलासा देने के लिए शायद उम्मीद है और जैसे मैंने कहा यकीन है कि इस बार शायद उससे ज़्यादा होगा। और जो एक स्लोगन जो निकल कर कई जगह देखा है कि हाफ द अर्थ हाफ द स्काई वी शैल फाइट वी शैल विन, कि ये मुद्दा केवल शायद जैसे आपने कहा कि केवल यौन हिंसा या बलात्कार तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा है, लिंग एकता का मुद्दा है और वेमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस दिशा में सरकार और जो जिस तरह की राह आप जैसे कार्यकर्ताओं ने महिला आंदोलनों के साथ जुड़ी हुई हैं आप जैसे कार्यकर्ताओं ने जो हमें एक राह दिखाई है इस राह में इस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। न्यूज़ क्लिक पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।